बड़ा फर्स्ट आने का शौक था ना। ले ली ना मानो मेरे से दुश्मनी, कर दिया ना बालवीर ने पोपट। पर अगर बालवीर से दुश्मनी ली है तो आपका भी हाल मोंटू बॉस जैसा होगा। अच्छा क्या हुआ था मोंटू के साथ? अरे बॉस ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ था मोंटू बॉस के साथ। अच्छा क्या क्या नहीं किया था मोंटू के साथ? मोंटू बॉस भले ही दिखने में आपकी तरह आती है ये तो आपको भी पता है, पर आपको ये नहीं पता कि बालवीर जी ने मोंटू बॉस को बंदर बना दिया था। बालवीर ने तुम दोनों को भी बंदर बनाया था? हाँ, मोंटू जैसे बॉस से हमें हमेशा लॉस ही हुआ है, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। और कई बार हम दोनों के साथ भी। हाँ, जैसे बालवीर ने मोंटू बॉस को जोकर बनाया था। हाँ, मोंटू को मधुमक्खी बना दिया था। हाँ। मैं बालवीर ने लड़की बनाया था। हाँ, हमको हवे में उड़ाया था। हमको बिजली के झटके दिए थे। पूरे स्कूल के सामने हमारा मुंह काला किया था। तुम दोनों की बातें सुन के तो लगता है कि मैं भी मोंटू की तरह बालवीर को अपना दोस्त नहीं बना पाऊंगा। हाँ, आपका भी चांस बहुत कम है बॉस। बालवीर से अच्छे और सच्चे बच्चों का वेस्टर्न बनता है, जैसे मानव मेहर का है। सच्चे और अच्छे होने से कुछ नहीं होता। मानव और मेहर के पास जरूर कोई राज है जिसकी वजह से बालवीर उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब हम वो राज पता करेंगे और बालवीर को अपना फ्रेंड बनाएंगे। केवल ये गेंडा सेम टू सेम मोंटू गेंडे जैसे बातें कर रहा है। ये गेंडा खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। नहीं बॉस, आपको जो करना है जैसे करना है करो। मुझे और केवल को घर जाना है, होमवर्क करना है। चल केवल। हाँ चल रही। पिज़्ज़ास, बर्गर्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। बॉस आपको इलाज पता करने की बात कर रहे थे। हाँ बॉस बताओ बताओ, कब और कैसे पता करना है वो राज मानव और मेहर से? गुड। अब वो राज पता करने के लिए हमें गधे को अपना बाप बनाना पड़ेगा। मतलब? मतलब मानव मेहर को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ओह। ओके बॉस चलो। इडियट उस तरफ। माँ माँ क्या हुआ बालवीर? आज परिबाग में बहुत ही विचित्र घटना घटी। विचित्र घटना क्या हुआ? दरअसल जब मैं परिबाग में था हुआ ऐसा सिर्फ बालवीर के साथ नहीं बल्कि हुआ हमारे साथ भी। हाँ। बालवीर ये जो तुमने हमें बताया ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। शुभ संकेत मगर कैसे? हाँ लग रहा था हमें तो डर। हाँ। इन सबको डूबा डूबा बालवीर डरने की कोई बात नहीं है बल्कि ये तो परिलोक में आने वाली खुशी की सूचना है। हाँ मैं कुछ समझा नहीं माँ। बालवीर ये सब कुछ जो आपने देखा और महसूस किया ये नई रानी परी के अवतरित होने के संकेत है।
हाँ नहीं रानी परी, रानी परी नहीं रानी परी। हाँ बालवीर, परीलोक के नियम के अनुसार हर 400 वर्ष में उस समय की रानी परी समाधि ले लेती है और उनका स्थान लेने के लिए नई रानी परी पावन नदी से अवतरित होती है। और ये सब संकेत यही बताते हैं बाली कि हमारी नई रानी परी जल्द ही अवतरित होने वाली है। हाँ, उनके आगमन पर तो बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। हाँ। लेकिन माँ, हमारी रानी परी के साथ तो 400 वर्ष पूरे होने से पहले ही अनहोनी हो गई थी, तो फिर ये बालवीर, हमारा परीलोक ज्यादा समय तक रानी परी के संरक्षण के बिना नहीं रह सकता है और इसलिए माँ परी ने रानी परी के इस नए अवतार को यहाँ भेजा है ताकि हमारा परीलोक सुरक्षित रह सके। हाँ माँ, रानी परी के बिना जैसे उनके ये परीलोक और इस सिंहासन की चमक जैसे खोई गई थी, लेकिन नई रानी परी के आने से परीलोक की और उनके सिंहासन की चमक वापस आ जाएगी। बाल परी, नई रानी परी किसी भी समय पावन नदी से प्रकट हो सकती है, इसलिए हमें तुरंत पावन नदी की ओर चलना चाहिए। हाँ परी, चलो। चलिए। मानव, तूने मेरे पापा को सच क्यों बोला कि मैंने शर्मा अंकल की साइकिल की हवा निकाली थी? क्योंकि हम सच्चे और अच्छे बच्चे और हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, अब मैं तेरे सच बोलने का मजा चखाता हूँ। मजा चखने वाले उसे छोड़ दे वरना पीट दूंगी। अच्छा डोंट एंग्री रॉनी। रॉनी के होते हुए कोई कमजोरों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तुमने इन दोनों के ऊपर हाथ उठाया ना, तो अब इनाम लो। ऐसी छोटी छोटी पिटाई तो होती रहती है ना। थैंक यू रॉनी, तूने मेरा गाल लाल होने से बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक्स रॉनी। तो फ्रेंड्स, समझ गया, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते। मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया, इतना सताया, इसलिए ना। लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और पहले हम लोगों ने जो कुछ भी किया ना, उस सब के लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। ये देखो सॉरी। हाँ, हम भी सॉरी बोलते हैं। सॉरी सॉरी। वो एक्चुअली है ना, रोहित और केवल ने ना मुझे बालवीर की सारी कहानियां बताई। वो सुन के मैं एकदम इंस्पायर हो गया। बालवीर कितना ग्रेट है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग भी अच्छे बच्चे रहेंगे। हाँ, लाइफ में पहली बार सच कह रहे हैं बॉस। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बालवीर से तो हर बच्चे को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हाँ, और हम भी बालवीर से बहुत सारे इंस्पिरेशन लेते हैं और वो हमेशा हमारा हौसला बढ़ाता है। वो तो ऑब्वियस है ना, मतलब तुम दोनों बालवीर के बेस्ट फ्रेंड हो तो वो तो कंपल्सरी है ना। वैसे तुम लोग बालवीर को कब मिले और तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे हुई? सॉरी रॉनी, ये सब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सीधे सीधे नहीं बताएंगे ये लोग, इनको घुमाना पड़ेगा। अब मानो मैं क्या कह रहा हूँ,
मेरे एक अंकल है ना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पीए हैं। पीए? पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। तो मैं ये चाहता था कि उनसे बात करके स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में बालवीर के भी चैप्टर्स डलवा दूं। और उन चैप्टर्स में तुम दोनों और बालवीर के दोस्ती के किस्से भी होंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि तुम दोनों की बालवीर से दोस्ती कैसे हुई। नई रानी परी के स्वागत के लिए कुछ तैयारी की होती तो अच्छा होता ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बालवीर, हमारी नई रानी परी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से होगा। हाँ, धूमधाम से, मगर कैसे और कौन करेगा ये? बालवीर, हमारी नई रानी परी का स्वागत प्रकृति करेगी, और वो भी अपने सारे रंग बिखेर के, क्योंकि ये पल प्रकृति के लिए भी बहुत ही खास है। सच? फिर तो हम बहुत उत्सुक हैं दृश्य देखने के लिए। थामा, इन सब के साथ साथ मैं भी बहुत उत्सुक। हमें भी इंतजार है बालवीर, हम सबको। और बालवीर, देखो बालवीर, ये सब भी नई रानी परी की पहली झलक देखने आए हैं। लेकिन परियों, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही वो पल है जिस समय रानी परी का अवतरण होगा? बालवीर, आपको उस पल का इंतजार नहीं करना होगा। वो देखिए वहाँ, उस पल की शुरुआत हो चुकी है। वो देखो, प्रकृति ने उनका स्वागत करना शुरू भी कर दिया है। बालवीर से जुड़ी हुई सारी बातें बताओ ना। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब तू बता मैं कंटिन्यू। इस स्कूल में सब हमसे अच्छे से बिहेव करते थे, पर एक मोंटू ही था जो हमेशा हमें परेशान करता था। मोंटू हमें इतना परेशान करता था कि हम तो स्कूल जाने से भी डरते थे। मोंटू तो हमारे सपने में भी आके हमें परेशान करता था, और मानव तो बहुत डर गया था। दादी ने मुझे परीलोक और रानी परी की कहानी सुनाई। यहाँ से हजारों मील दूर उत्तर में, नहीं नहीं पूरब में, एक परीलोक है। उस परीलोक की रानी का नाम है रानी परी। फिर मैं बालकनी में गई और मैंने रानी परी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज किसी को जल्दी से जल्दी हमारी सुरक्षा के लिए भेज दो। रानी परी, 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 आप सुन रही हो ना? रही हो ना? रानी परी, रानी परी,
परी, रानी परी, फिर रानी परी ने बीबी बी को भेजा, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। कौन है तू और कहां से आया है? मैं हूं तुम जैसे शैतान बच्चों से अच्छे बच्चों को बचाने वाला। तब से बालवीर सच्चे और अच्छे बच्चों की रक्षा करता है। और मैं और मानव सात सच्चों के परिवार से हैं, इसीलिए बालवीर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया। हाँ, और हमें बालवीर की वजह से बुरे बच्चों से डर नहीं लगता। और अच्छे बच्चों को भी सच बोलने से डर नहीं लगता। वैसे ये सब चैप्टर में आएगा ना? हाँ हाँ आएगा ना, आएगा ना, चैप्टर में जरूर आएगा। ओके, थैंक यू, बाय रॉनी, अब हम चलते हैं। चैप्टर का तो पता नहीं महर, लेकिन एक आइडिया जरूर आया बालवीर को टक्कर देने का। डोंट एंग्री रॉनी। परियो, अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब से बस कुछ ही पल में हमारी नई रानी परी हमारे साथ होंगी। परियों खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।